Hi everyone, I am Ashima and welcome to my YouTube channel. And today we are going to learn very easy phrasal verb, come what may. Come what may. What is the meaning of this phrasal verb? Anything happen. Ab chahe kuch bhi ho. Maybe negative, maybe positive. Achha ya bura. Result kuch bhi aaye. I am not thinking about the result. Main result ke baare mein nahi soch raha hoon. Mujhe to bas ab apna ye kaam karna hi karna hai. That means come what may. कोई आए मेरे साथ या नहीं आए, मेरा डिसाइड हो चुका है, मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है. दैट मीन्स कम वॉट में, अब चाहे कुछ भी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी 2 साल लगे, 3 साल लगे, मेरी पूरी लाइफ चली जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे यूपीएससी की ही पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है. लाइक दिस, कम वॉट में, अब चाहे कुछ भी हो जाए. लेट्स सी सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर, मैंने प्रोमिस किया है क्या उसको सपोर्ट करने का. मैं ऑलरेडी उसको प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा हर पल तुम्हारा सपोर्ट करूँगा ही करूँगा, चाहे कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो. तो आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर कम वॉट में. अब चाहे आप लोग मेरे को अच्छा समझो, बुरा समझो, मेरा साथ दो या साथ ना दो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. कम वॉट में, अब चाहे जो हो जाए, पर मैं उसको सपोर्ट करना नहीं छोड़ूंगा. आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर कम वॉट में. मैं उसको प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूँगा, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल हैज़ डिसाइडेड टू मेरी हिम. गर्ल ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, भैया अब शादी करूँगी तो मैं इसी से करूँगी. अब चाहे मैं सुखी रहूँ, दुखी रहूँ, अमीर रहूँ, गरीब रहूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आप लोग माने चाहे ना माने, बट मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि शादी अगर करूँगी तो इसी लड़के से करूँगी. द गर्ल हैज़ डिसाइडेड टू मेरी हिम कम वॉट में. अब चाहे जो हो जाए, मैं शादी इन्हीं से ही करूंगी. लाइक दिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कम वॉट में, अब चाहे जो हो जाए, वी मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे. मतलब ये अब चाहे कुछ भी हो जाए यार, आज हमको ये काम पूरा ख़त्म करना ही करना है. कभी ऐसा होता है, हम टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, कुछ भी हो जाए यार, कंप्लीट ही नहीं होती है. तो आज चाहे कुछ भी हो जाए यार, आज मैं इतना टेस्ट पेपर की सीरीज़ लगा कर ही रहूँगा, इतने क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहूँगा, इतनी वॉकेब लर्न करके ही रहूँगा, आज ये घर का मैं काम ख़त्म करके ही रहूँगा, आज ये ऑफिस का काम मैं ख़त्म करके ही रहूँगा. लाइक दिस. मतलब कोई भी काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा और आपका दिमाग ख़राब हो चुका है, अब तो अब आप क्या बोल रहे हैं यार, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, चाहे मुझे रात भर जगना पड़े, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. कम वॉट में, ठीक है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वी मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे. आज ये काम हम खत्म करके ही रहेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कम वॉट में, अगेन अब चाहे जो हो जाए, आई विल नॉट चेंज माई माइंड. मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, मैं ये निर्णय ले चुका हूँ, मुझे ये काम करना ही करना है. अब कम वॉट में, अब चाहे जो हो जाए, मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूँगा. डोंट ट्राई टू एम्फेसाइज मी. मतलब आप मुझे पे है ना, मतलब एम्फेसाइज करने की कोशिश मत करो, मुझ पे दबाव डालने की कोशिश मत करो. क्यों? क्योंकि कम वॉट में, आई विल नॉट चेंज माई माइंड. अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना माइंड जो है वो चेंज नहीं करूँगा. मैं ऑलरेडी अब अपना माइंड जो है इस चीज़ के लिए बना चुका हूँ. तो कम वॉट में, आई विल नॉट चेंज माई माइंड. ठीक है, मुझे रिजल्ट चाहे कुछ भी मिले, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट. मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ. कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट चेंज माई माइंड. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कम वॉट में, अगेन वी से इन हिंदी, अब चाहे जो हो जाए, बट टूडे आई विल टीच हिम द लेसन. ठीक है, अब चाहे कुछ भी हो जाए यार, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, पुलिस केस हो जाए, पर आज तो मैं उसको सबक सिखा कर ही रहूँगा. टुडे आई विल टीच हिम द लेसन. मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है किसी ना किसी बात को, पार्किंग को लेकर या किसी ना किसी बात को, झगड़े को लेकर. तो अब क्या बोल रहे हैं, कम वॉट में, अब चाहे कुछ भी हो जाए यार, बट टुडे, आज तो मैं उसको, आई विल टीच हिम द लेसन, आज तो मैं उसको सबक सिखा कर ही रहूँगा. ठीक है, तो कम वॉट में, टुडे आई विल टीच हिम दी लेसन. मतलब आज तो मैं उसको लेसन, सबक सिखा कर ही रहूँगा. आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ कम वॉट में. इट्स वेरी ईजी. अब चाहे जो हो जाए, रिजल्ट में भी पॉजिटिव, रिजल्ट में भी नेगेटिव, कोई मेरा साथ दे, कोई मेरा साथ ना दे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मेरा अब डिटर्मिनेशन हो चुका है, मेरा दृढ़ निश्चय हो चुका है, अब मैं इस बात से नहीं पलटूंगा. दैट इज़ कॉल्ड कम वॉट में. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ दिस इज योर टर्न. यू विल हैव टू रिवाइज ऑल द एग्जाम्पल्स एंड विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन.